चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। तिहाड़ से बाहर आने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको बता रहे हैं, पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री जेल से रिहा होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कार्यवाही में भी आज हिस्सा लेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला भी कर सकते हैं। पी चिदम्बरम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जेल से रिहा होने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार साहब, तौर पर एक सवाल यहां है, क्योंकि अब वो जेल से रिहा हुए हैं और तत्काल प्रभाव से आज कार्यवाही में भी हिस्सा लेंगे और उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, काफी मैं पी चिदम्बरम की जेल से रिहाई हुई है, लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ा है। आईएनएक्स मीडिया केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तिहाड़ जेल में रिहाई के बाद पी चिदम्बरम की आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस मुख्यालय में 12:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना जा रहा है कि शर्त के मुताबिक जो जमानत दी गई है उनको, तो वो अपने केस पे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आर्थिक व्यवस्था को लेकर, सुस्त रफ्तार को लेकर वो बड़ा हमला करने वाले हैं, क्योंकि इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि उन सवालों से बचने के लिए राजनीतिक के चलते उनको जेल भिजवाया गया। लेकिन बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार का जश्न उठा रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ जो इसके बाद एक ट्वीट आए, चाहे राहुल गांधी के ट्वीट की बात करें, दूसरे नेताओं के ट्वीट की बात करें, चिदम्बरम को समर्थन और कहीं ना कहीं राजनीतिक वजहों से निशाना बनाया गया, ये कांग्रेस मानती है। इस बीच जब जेल में थे चिदम्बरम, तब उनसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने मुलाकात की थी और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी। तो ये जरूर है कि एक समर्थन पार्टी का उनके साथ है और इसलिए आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आर्थिक मुद्दे पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर हम बोलने वाले हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जेल से रिहाई के बाद, लिहाजा इस पर निगाह लगी है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।